वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिष्ठा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेज किए हैं ब्यूटी टॉक वेबसाइट से। तो वहाँ पर नो कुछ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चल रहा था जो कि मैंने वहाँ से परचेज किया, और आप लोग देख के डर मत जाना कि तूने कितने सारे प्रोडक्ट ले लिए, पर कितने सारे नहीं क्योंकि यार सेल चल रही थी तो सोचा कि ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ले लो तो फिर ना आपका हॉलीडे हो जाता है कि चलो अब इनसे फुर्सत मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए हैं, और साथ में नो मुझे कुछ सैम्पल्स भी मिले थे जो कि ट्राई करने के लिए, तो वो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप कहोगे कि ब्यूटी टॉक कैसी वेबसाइट है, तो वहाँ पर कोरियन ब्रांड के प्रोडक्ट वहाँ पर मिलते हैं, कुछ सेलेक्टेड ब्रांड हैं वहाँ पर जो कि नो प्रोडक्ट सेल करते हैं कुछ नो डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो अगर आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक क्लिनजिंग फॉर्म जो कि मैंने वहाँ से परचेज किया था। वो है इट्स स्किन का पावर 10 फार्मूला YE क्लिनजिंग फॉर्म, कुछ इस तरह पैकेजिंग में है। और ये मुझे जो भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, बट अभी हाल फिलहाल जो डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिला था अब वो डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मुझे होगा अगर आप इसे चेकआउट करोगे। तो ये कंपनी है कोरिया की, तो आप इसका ना बैक साइड आप ऐसे देख सकते हो। अभी ये सील्ड है क्योंकि मैंने अभी इसे ट्राई भी नहीं किया, आप देख सकते हो ये पूरा सील पैक्ड है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरीके से, मतलब ये प्रोडक्ट है ना क्लिनजिंग फॉर्म में, मतलब आप इसे नो जब अपने पाम पे लोगे तो इसे रब करोगे तो एक तरीके का फॉर्म सा बनेगा वाइट कलर का जो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना होगा। तो ये जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू। और हाँ, इन सब के रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर बने रहो, मैं जब भी इन्हें ट्राई करूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सेकंड प्रोडक्ट है इट्स स्किन का हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चर इम्लूजन, आई थिंक मैंने सही प्रनाउंस किया है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये एक तरीके ना सीरम बेस मॉइस्चराइज़र है जो कि आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। इसकी कुछ बॉटल इस तरीके से है, आप देख सकते हो पर्पल कलर का इसका कैप है और नो ग्लास बॉटल है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बट नो एक्सपेंसिव तो लुक दे रही है, बट थोड़ा सा आपको इसके साथ नो केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ग्लास बॉटल है। तो नो वैसे इसका प्राइस है 950 रुपीज़, बैक साइड में कुछ इस तरीके से है, सारा मेंशन कर रखा है आपको इसे कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं। तो ये इस तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा इट्स स्किन से ग्रीन टी वाटरी टोनर जो कि पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, और इसका प्राइस 950 अप्रॉक्स ही है। हाँ, 950 है, और इसकी पैकेजिंग यू नो इसी तरीके से ग्लास बॉटल जैसी, और ना ग्रीन कलर का कैप है, और आप इसे जब ओपन करते हो तो ये सील पैक आता है, तो आपको सील हटाना होता है और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेगरेंस भी काफ़ी माइल्ड है, तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एलोवेरा रिलैक्सिंग टोनर, ये भी एक तरीके का टोनर है पर ये एलोवेरा का है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेट रखेगा, और वो वाला जो है ना जो एक्ने प्रॉन स्किन होती है वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये भी इसकी पैकेजिंग कुछ इसी तरीके से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नो लाइट ग्रीन इसका कैप है और ये भी सील पैक्ड है। बिकॉज अभी मैंने कोई प्रोडक्ट ट्राई नहीं किए, और जो मैंने ट्राई किए हैं वो सैम्पल साइज है क्योंकि मुझे इसके साथ सैम्पल्स भी मिले थे तो वो मैंने ट्राई किए थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी उन्हें भी। ओके, नेक्स्ट है एलो रिलैक्सिंग इम्यूजन, ये भी इट्स स्किन से है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, और ये भी 950 अराउंड इसका प्राइस है, और ये इस तरीके से दिखता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब हाइड्रेट करेगा, और सीरम प्लस मॉइस्चराइजर टाइप क्रीम है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके,
नेक्स्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा के लिए भी कुछ लिया था, तो ये है इट्स स्किन कोलाजन न्यूट्रिशन टोनर। ठीक, इसकी पैकेजिंग ग्लास बॉटल जैसी है, बट ग्लास बॉटल होने की वजह से आपको पता चल रहा है कि ये नो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है बिल्कुल वाइट कलर का है, तो टोनर टाइप ही है। तो इसका भी प्राइस 950 अराउंड है। ओके, अब इसके अलावा मैंने कुछ क्रीम्स भी ली थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है एक है एलो, हाँ ये यार, हाँ इट्स स्किन एलो रिलैक्सिंग क्रीम। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, तो मैंने दो क्रीम ली थी, तो इसमें से एक नो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, नो 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है, दिख जाओ ठीक है, इस तरीके से वो पैकेजिंग है। फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है और मैं आपको इसे लगा के दिखाऊं। ओके, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का, मतलब जेल जैसा है, देख सकते हो कि किस तरीके का नो हाइड्रेट करता है स्किन को। तो ये क्रीम थी। सेकेंड मेरे पास इट्स स्किन प्योर मॉइस्चर क्रीम है। इसकी पैकेजिंग इसके साथ आई थी, मैंने इसकी खोल दी थी क्योंकि मैंने ट्राई किया है और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। काफ़ी अच्छा इसका नो टेक्सचर है और काफ़ी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है, तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आई थी और बड़ी टिपिकल थी इसकी पैकेजिंग, खोलने में भी परेशानी हो गई, तो ऐसे करके थी कुछ, और बड़ा अच्छे से पैक वैक कर रखा था और अब इसे दोबारा रख भी नहीं सकते क्योंकि इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से कि टूट जाएगी। तो ये इसकी पैकेजिंग है और ये इसका जो ग्राम है 100 ग्राम का है और इसकी पैकेजिंग नो वाइट कलर में है। इसको लगाते हैं और मैंने इसे ट्राई किया था अपने एक वीडियो में, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये इस तरीके से है, ठीक है, तो क्रीम ही है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत हल्की है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत हल्की फ्रेग्रेंस। और मैंने कुछ आई क्रीम्स भी मैंने ऑर्डर की थी, तो एक आई क्रीम कुछ इस तरीके की है, ये भी इट्स स्किन कैवियर डबल इफेक्ट आई एसेंस है। मैंने अपनी लाइफ में आई क्रीम ट्राई नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं, तो एक मैंने अपने लिए और एक मैंने मम्मा के लिए मंगाई थी, तो ये मम्मा के लिए है जो कि कुछ इस तरीके इसकी पैकेजिंग है, देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से नो ये रोलेट नहीं होता, बस जैसे आप यहाँ से पुश करोगे तो क्रीम बाहर की तरफ आती है ऐसे करके, और इसका वैसे प्राइस है 2000 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट मैंने ये वाला नो आई क्रीम ऑर्डर किया है अपने लिए, तो आप देख सकते हो कि ये है GF आई क्रीम विद आई मॉइस्चर, तो ये कुछ इस तरीके से है और ये 30 ग्राम का इसका क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और इन ये जो हम इंडिया में आई क्रीम दिखते हैं तो क्वांटिटी बहुत थोड़ा सा होता है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। प्राइस तो वैसे इसका भी काफ़ी ज़्यादा था, बट डिस्काउंटेड प्राइस में मिली तो काफ़ी अच्छा इसको नो क्वांटिटी भी है। तो आप देख सकते हो इसका कुछ इस तरीके का नोज़ल है, इसे अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखिए बहुत छोटा अमाउंट लिया है, ठीक है, जब हम इसे यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपके अंडर आई को हाइड्रेट कर देगा। इन सब के अलावा मैंने दो सीरम भी है ना ऑर्डर किए थे, जो कि है एक इट्स स्किन का YE इफेक्टर पावर 10 फॉर्मूला YE इफेक्टर, जो कि सील पैक्ड है और इसी तरीके से ये मुझे रिसीव हुआ था। इसका जो क्लेम है ये क्लेम करता है कि आपके पफिनेस को, फाइन लाइन्स को और नो टाइट आपके जो पोर्स हैं उन्हें टाइटन अप करेगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से है इसकी पैकेजिंग,
काफ़ी इफेक्टिव है और मैंने इस पे रिव्यू भी देखे थे, काफ़ी अच्छे रिव्यू भी बताए हैं, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और इसकी क्वांटिटी है कुछ 30 ml की और ये भी मुझे डिस्काउंटेड मिला था। ओके और नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया था, ये है इट्स स्किन पावर 10 फॉर्मूला WB इफेक्टर। ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। आप इसे जब ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके का कलर का है और यहाँ से आप करोगे तो इसका कैप यहाँ से निकल जाता है और जब आप इसका डॉपर आप ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से ना ड्रॉपर है और इसका ड्रॉपर काफ़ी अच्छी तरीके से ना बैंड है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नीचे फिनिश होने पे अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो काफ़ी अच्छे से ड्रॉपर ले सकता है। और इसकी भी क्वांटिटी 30 ml है। इन सब के बाद मैंने कुछ शीट मार्क्स भी ऑर्डर किए थे जो मम्मा के लिए थे, तो ये कुछ इस तरीके से शीट मार्क्स है। ये मैंने कॉम्बो मंगाया था, ये कुछ 150 rupees का था बट मुझे इसी तरीके से मिले थे और इसमें एक के साथ दो पेयर था, मतलब कि इसमें दो हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, इसे जब हम खोलते हैं ना तो ये एक कैवियर वाला है डबल इफेक्ट वाला और साथ में ये सेकंड वन भी है, ये है स्नेल मॉइस्चर शीट मास्क। तो मुझे ये दो मिले थे और मुझे ये दो मिले थे, तो ये दो के तो मेरे पास ये है क्योंकि ये ट्राई करने के लिए मैंने अलग से रख दिया था, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। ये नो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, साथ में जो मैच्योर स्किन होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने मम्मा के लिए लिया था और ये भी मैच्योर स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी फाइन लाइंस को और आपकी नो आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने मम्मी ने ट्राई किया था और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा है। तो इफ़ यू डोंट ट्राई तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। सबके बाद मुझे इन प्रोडक्ट्स में कुछ सैम्पल साइज प्रोडक्ट भी मिले थे और साथ में मुझे हर पैकेट के साथ नो एक एक शीट मार्क्स जो मिला था, कुछ इस तरीके से मुझे नो एक पैकेट रिसीव हुआ था जिसमें एक शीट मार्क्स और क्लिनजिंग फॉर्म और एक क्रीम का नो सैम्पल मिला था। तो लिखा है इसमें ट्राई मी, तो जब इसे ओपन करती हूँ, मैंने ये मुझे ये सैम्पल पीस दो बार मिले थे, मतलब दो मिले थे जिसमें से एक ये रहा और एक मैं ट्राई कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था। तो मैं जब इसे ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्रीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज काफ़ी अच्छी आप स्किन को मॉइस्चर दिया था, हाइड्रेट कर दी थी। इस शीट मास्क को लगाया मैंने एंड देन मैंने ये क्लिनजिंग फॉर्म से फेस वॉश किया, फिर शीट मास्क लगाया एंड देन ये क्रीम ट्राई की, तो काफ़ी अच्छी स्किन हो गई। तो जब भी मैं ये पूरा दोबारा करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है फेस क्लिनजिंग फॉर्म जो कि है स्नेल ब्राइटनिंग ब्लेम क्लिनजिंग फॉर्म और ये है क्रीम का नाम है इट्स स्किन स्नेल बैलेंस ब्राइटनिंग जेल क्रीम। तो ये है इसका एक कॉम्बो तो मुझे मिला था। नेक्स्ट मुझे ये भी सैम्पल साइज में मिली थी ये क्रीम और ये शीट मास्क मिला था जो कि मुझे दो मिली थी जिससे तो मैंने एक सेपरेट करके रख दिया, अभी तक ट्राई नहीं करी। तो ये है ऑटोप्लम मेल क्रीम। साथ में गाइस मुझे ये भी सैम्पल साइज में मिले थे सारे सिरम्स जो कि ट्राई कर सकते हैं कि आप को कौन सा आपकी स्किन को सूट कर रहा है। तो मुझे ना सारे जो सिरम थे इस रेंज के सारे मुझे मिले थे, मतलब सारे तो नहीं कुछ तो मिले ही हैं, काफ़ी अच्छे हैं ना, उन्होंने मुझे सैंपल भेजे हैं। एक तो यही है पावर 10 फॉर्मूला YO इफेक्टर, एक मुझे मिला है पावर 10 फॉर्मूला VC इफेक्टर, ये भी स्किन का ही है, और ये है Q10 इफेक्टर। ओके ये है CO इफेक्टर पावर 10 से, और ये है WH इफेक्टर, ये ब्राइटनिंग के लिए है, और
ये है सॉरी शाइनिंग के चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये सारे सैंपल्स मुझे मिले थे ट्राई करने के लिए कि आपको ये ट्राई कीजिए और हमें आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो जब मैं इन्हें ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 मुझे 6 मिले हैं, साथ में मुझे डबल भी मिले थे जो कि मुझे एक इसका भी सैंपल मिला था जो मैंने मम्मा को दे दिया था और काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा था। और ये अलग से मैंने रख दिए कि मैं ट्राई करूँगी और मैं जब ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ये किस किस बात पे यू नो इफ़ेक्टिव है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और ये सारा हॉल आपको देखने में मज़ा आया हो। और आप सोच रहे होंगे आए कितना सारा पैसा फालतू वेस्ट किया, बट इज़ नॉट फालतू क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियोस भी देखा है, आपकी स्किन को काफ़ी रिलैक्स फील कराएंगे, टोन करेंगे और टाइटन अप करेंगे आपकी स्किन को, जो कि यू नो जो मैं नहीं एक्चुअल में करती थी और अब मैं इन पर इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी स्किन को देखा था तो काफ़ी ज़्यादा नो अजीब हो गई थी। तो ये नो गर्मियों का भी सीज़न है और आपकी जो गर्मियों में स्किन हो जाती है काफ़ी टैन हो जाती है और काफ़ी नो गर्म फील करती है, तो आपकी स्किन को काम करने के लिए रिलैक्स फील कराने के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी नो अच्छे हैं क्योंकि ये जेल बेस है, वाटर बेस है, तो आपकी स्किन से जो भी नो गर्मी की वजह से मॉइस्चर चला जाएगा उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट साबित होंगे ऐसा मैं मानती हूँ। इनके रिव्यूज भी जल्दी आने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका भी हैंडल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।